लिस्ट में आपके लोगों के भी नाम थे, दो तीन पार्षद भी हैं, आपके समर्थक भी हैं, तो क्या वो लिस्ट सही है कि वो पार्षद जो सही है जो काम कर रहे हैं इसमें? पहले आप क्रिटिसाइज करते थे कि हमको पांच काम बताओ, जब हमने काम बताने हमने काम बताने और दिखाने चालू कर दिया तो ये बोलने लग गए ये हमारे कार्यकाल का है। ये आरोप लग सकते हैं हर तरह के कि मैंने पिछले समय में अपनी टीम को, मतलब मैं भिलाई की बात नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में या देश में टीम को पुशअप किया है। रंग बरसे एक सवाल पॉलिटिकल लेके आऊंगा मैं। आप जो चर्चा मैंने सुनी वो शायद आपको भी पता होगी कि प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा एक और भी मैदान पे हैं भिलाई नगर से, चर्चा है वो नाम विजय बघेल है। लोग हल्ला कर रहे हैं, ऐसा बता भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि विजय बघेल भी चुनाव लड़ सकते हैं भिलाई नगर से, पाटन से नहीं लड़ेंगे। तो आपको ज्यादा फाइट किसके साथ हो सकता है, बताओ? विजय बघेल ज्यादा, पहली बात तो ये है पाटन से में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी जमानत जब्त है तो पाटन में तो कोई जाना नहीं चाहेगा। पहली बात, इस बात को अगर विपक्षी सुनिए, मैं देखो आपने चर्चा रखी तो मैंने भी अपना मत रखा, तो मेरा भी मत, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो पाटन में, और ये सत्यता भी साबित होगी, पाटन में तो किसी भी बीजेपी नेता की स्थिति नहीं है कि वो जाके चैलेंज स्वीकार कर पाए। तो ये मैं सहमत हूँ कि वहाँ से हर कोई नहीं लड़ना चाहता होगा और कहीं और से लड़ना चाहता होगा, इस बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन दूसरी बात, जैसी चर्चा चल रही है तो मुझे ये भी चर्चा चल रही है कि दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में खींचातानी हो रही है कि मैं लड़ूंगा नहीं मैं लड़ूंगा, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि इन लोगों को आपसी इतना मतभेद अभी से नहीं पालना चाहिए। आपके हिसाब से कौन लड़ना चाहिए, पांडे जी या फिर बघेल जी? मैं दोनों के लिए तैयार हूँ और मैं चाहूंगा कि दोनों अच्छा समन्वय बनाकर एक जन लड़े ताकि अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ सकें बराबरी से। मजा आ जाए फाइट। हाँ हाँ, आज की युवा पीढ़ी जो है देर रात तक जगती है, रात रात तक मोबाइल चलाना और सुबह लेट उठना, मतलब उनके जिंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ नहीं, ना योगा है ना एक्सरसाइज है। देवेंद्र यादव भी युवा है, तो क्या देवेंद्र यादव भी रात तक मोबाइल पे अपना टाइम बिताते हैं? देखो ऐसा है कि अभी तो दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि रात देर रात तक तो जगना पड़ता है, उसमें उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि देर रात तक नहीं जगते, जगना पड़ता है, कभी मौका मिलता है तो जल्दी भी सो जाते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि आप जितने बजे भी सो, उठना आपको जल्दी है। तो मैंने अपने लाइफ में धीरे धीरे करके ये चेंजेस लाए। पहले तो मैं काफ़ी जिमिंग एक्सरसाइज करता था, फिर बहुत लंबे समय तक उससे छूट गया था, तो पेट वेट बाहर आ गया था बीच में। वो तो अभी भी है ही अभी, लेकिन तो मेरे ज़्यादा नहीं है, आपका अंदर फिट है। लेकिन मैंने फिर है ना उसको थोड़ा चुनौती के रूप में लिया कि भाई लाइफ में एक अच्छी लाइफ मतलब आपकी अच्छी हेल्थ भी। मैंने देखा कि नारायणपुर में मैराथन होती है, 21 हाफ मैराथन, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि नारायणपुर से अबूझमाड़ दौड़ूं, तो मैंने उसकी है ना नारायणपुर से अबूझमाड़, हाँ हाँ 21 किलोमीटर की, तो मैंने उसको बहुत चैलेंज के रूप में लेते हुए लगभग 8 से 9 महीने रनिंग की प्रैक्टिस की। तो मैं जो पहले 1-1.5 किलोमीटर दौड़ता था, मैंने फिर वो लंबी दूरी तय करने लग गया। हम लोग अक्सर शनिवार को सुबह हनुमान मंदिर सेक्टर 9 से स्टार्ट करते थे और ये सेक्टर 1 चौक तक पहुंचते थे और उसके बाद फिर वहां से सेक्टर 9, तो मतलब ऐसे करके काफी लंबी रनिंग। अच्छा इस पे चढ़ना है, चलो मैं तो बहुत दिनों से जिम नहीं गया, आप तो रोज वाले होंगे। नहीं नहीं ये तो अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। बचपन आप कैसे भी तो होंगे, खेलते कूदते हैं? हाँ दौड़ते भागते हो गया, कूदते नहीं, आप तो रोज जिम होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे करके आदत हुई और मैं अभी इसको एक काम, एक दैनिक दिनचर्या के रूप में लेता हूँ। ये आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, 20-25 मिनट काफी है, रनिंग कर लो पर डे, हाँ 2-3 किलोमीटर दौड़ लो बहुत है। अच्छा बीच में पेट वेट बाहर निकलता होगा तो फिर कोई टोकता वोकता भी हो गया, अरे द्वेन द्वारा पेट बाहर निकल गया ऐसा कुछ? वो तो लोग बोलते ही हैं यार मोटे हो गए, क्योंकि और अपन को खुद ही लगता है बीजे पतले हो गए थे ना। हाँ वो कम ज्यादा होते हैं, चलता रहता है वो, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। बढ़िया, ये आपने ओपन जिम जो लगाया है भिलाई भर में, मतलब आपने बीच में, मुझे याद है कि हर वार्ड में एक ओपन जिम होगा, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, सक्सेस हो पाया ये? देखिए हमने सेक्टर 5 को छोड़ दे तो, देखिए ऐसे हमने लगभग सभी वार्डों में ओपन जिम लगाए और उसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे नेहरू नगर में, हाउसिंग बोर्ड में, वैशाली नगर में, कुर्सी पार में, सेक्टर के अन्य एरिया में, सेक्टर 2, सेक्टर 1,
सब जगह ओपन जिम लगे, उसका उपयोग भी हो रहा है। इस पे जो एक हमको अभी वर्किंग करने की ज़रूरत है वो ये है कि, और थोड़ा सा एक कल्चर लाने की ज़रूरत है कि ये जो सामान होता है इसका थोड़ा सा कुछ साथी ध्यान नहीं देते और टूट फूट भी हो जाती है कोई। हाँ, तो हम लोगों को अभी जो कल्चर एक है भिलाई के अंदर कि सार्वजनिक चीज़ों को भिलाई के लोग अपना मानकर उसका ध्यान रखते हैं, तो इस कल्चर को और डेवलप करना है और मजबूत करना है, क्योंकि हम लोग भविष्य में इस मॉडल पे जाना चाहते हैं कि नगर निगम के जो गार्डन्स ग्राउंड्स इनको हम लोग बना तो लेते हैं, इसका इसका संचालन स्थानीय महिला समितियों समूहों के द्वारा हो, ताकि ये हमेशा ही एक एसेट के रूप में उस मोहल्ले के लिए काम आ सके। बात अगर महिलाओं की हो रही तो फिर मदर्स मार्केट भी आता है। हाँ। एक मतलब ऐसा मार्केट जो लोगों ने शहर में कभी सोचा नहीं था कि महिलाओं के लिए सेपरेट मदर्स मार्केट होगा, मतलब आपको ये क्यों लगा होगा कि यार महिलाओं के लिए सेपरेट मार्केट बना देना चाहिए और कहीं नहीं? एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना नगर निगम में जब मेयर के रूप में काम कर रहा था तो लगभग मुझे मेरी महिला समूह, महिला कमांडोज, NULM से जुड़ी हुई स्व सहायता समूह की बहनें, इन सब से मेरा अच्छा संवाद रहा। सब लोगों से इस बात की बात आती थी कि चलिए शासन हमें नोटिफाइड कर दे रहा है एक ग्रुप के रूप में, हम लोगों को लोन भी मिल जा रहा है, हम लोग सामग्री भी बना रहे हैं, लेकिन हम उसको बेचे कहाँ? मार्केट नहीं उनके लिए। अगर मार्केट नहीं होगा तो हम कैसे डेवलप होंगे? तो उस समय से ये बात थी कि एक मार्केट बनाना है। जब प्रगति कॉम्प्लेक्स को मदर्स मार्केट के रूप में चेंज करने की बात थी, कितना कब्जे थे वहाँ पे और कितना अजीब था वहाँ से गुजरो, तो ऐसा लगता है कि यार कोई कचरा वाला इलाका है, आज कितना सुंदर एयरपोर्ट जैसा सी फील आता है वहाँ पे जाओ। देखिए भिलाई में ये सर कैसे होगा, ये आप ये बताइए फिर। बच्चों का है ना, रहने छोड़ो, रहने नहीं करते वहाँ बनते। तो ऐसा है कि सर भिलाई में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट लिए वो बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं आप, पहले की परिस्थिति क्या थी और आज की परिस्थिति, न्यू भिलाई बोल सकते हैं। हाँ, अपन कहेंगे कि हम लोगों ने जिस जगह को लोगों ने वेस्ट मानकर उस जगह को छोड़ दिया था कब्जे धारियों के लिए, वहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते थे, आज उस जगह को आप देखिए कितनी खूबसूरत बन गई है। भिलाई मदर्स मार्केट, प्रगति कॉम्प्लेक्स, जिस पर जब मैं जिस इस प्रोजेक्ट को चुनौती के रूप में लिया तो लोग इसका भी मजाक बना रहे थे कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आज डिले भी होते गए ना प्रोजेक्ट। हाँ, आज सी मार्ट खड़ा हुआ, मदर्स मार्केट वहाँ शुरू हुआ, मुझे ये इस बात का भरोसा है कि हम लोग भरोसा भी है और अभी मैं इस बात को जानता भी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये चुनौती भी है हमारे लिए कि हम लोग इसको सस्टेनेबल मॉडल के रूप में एस्टेब्लिश कर सके। एक्चुअली हमारा थॉट ये है कि हम जो करें ना वो हमारे कार्यकाल के लिए या हमारी उपलब्धि बताने के लिए ना करें, वो हमेशा के लिए शहर के लिए हम लोग एक एसेट बनाकर छोड़ें। जैसे ये शहीद पार्क, ये देवेंद्र, हाँ, देवेंद्र रहे, नीरज जी रहे ना रहे, पद में रहे ना रहे, लेकिन ये पार्क, शहीद पार्क जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, ये इसको बोलते हैं काम। वैसे ही मदर्स मार्केट हम उसको भी इस लेवल पे एस्टेब्लिश कर लेंगे आने वाले समय में कि हम उसकी रिटेल शॉप्स भी हर वार्ड में खोल लें। अभी तो बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले एक साल में हम पहले इस संस्था को पूरी तरह मजबूत कर लें। ये जो संस्था हमने चालू की है इसको मजबूत होने में 6-8-9 महीने 10 महीने लगेंगे, इसके बाद हम आगे इसको आगे और बढ़ा सके। तो ये हमारा कहना है कि आने वाले समय में भिलाई मदर्स मार्केट एक ब्रांड के रूप में हमेशा रहे, जैसे हमने भिलाई महिला समाज के काम को देखा है, वे इसी को देखते हुए मेयर साहब और हमारी चर्चा हुई और नगर निगम में लगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं, जैसे ड्रेसेस हो गए, झाड़ू हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये फिनाइल हो गया, ये सब हमने मेयर साहब को और हमने ये तय किया है कि इसको एक कानून बनाकर ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये केवल और केवल भिलाई की महिला समूहों से खरीदा जाएगा, चाहे उद्योग हो चाहे तमाम बड़े जगह। नहीं, पहले तो हम भिलाई नगर निगम के लिए खुद पहले लागू करें, पहले लागू करें, पहले हम इसको मान ले कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं, इसके बाद फिर लोगों से भी बात करके कराएंगे। ठीक है। अच्छा, बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र यादव पुराने कार्यकाल का फीता काट रहे हैं, मतलब वो जो काम प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री रहते हुए कर छोड़ गए थे वो काम को आप आगे बढ़ा रहे हो, नया कुछ नहीं कर पाए। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के साथियों के साथ समस्या ये हो गई कि वो इस बात को लेकर जनता को
दिग भ्रमित करते रहे कि वो विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, पानी वाले बाबा। हाँ देखो वो मैं देखो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने ये महसूस किया प्रचार बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का। लोग यहाँ पर पानी वाले चाउर वाले बाबा बन जाते हैं, जबकि वो चाउर और पानी का पैसा केंद्र में बैठी हुई यूपीए की सरकार उस समय देती है। अच्छा। तब वो यूपीए ये नहीं कहते कि ये वहाँ से फंड आया है। भाई जब भिलाई में पहला वृहद पेयजल योजना की शुरुआत हुई तब भी केंद्र में हम लोगों की सरकार ने उसका अनुमोदन किया। उसके बाद जब हम कहें कि चावल योजना का भी लाभ प्रदेश में जनता को मिला तो उसमें भी तो पूरा फंड केंद्र से आता था। आपने तो केवल बैनर पोस्टर लगाए, इसके पीछे प्रचार किया और बन गए चाउर वाले बाबा, तो हम इस पे बिलीव नहीं करते। अगर पानी वाले बाबा, मेरे को अगर हम इस नीति के रहते तो पानी वाले बाबा नहीं तो पानी वाले भाई तो बन ही जाते। देखो 77 MLD उस समय खुला, 66 MLD हमारे महापौर कार्यकाल में खुला, लेकिन हमने इस तरीके की समझिए हाँ इस तरीके के हमने प्रचार नहीं किया जो व्यक्तिगत अपने हित के लिए। हमने ये प्रचार किया कि चलो पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, पानी अब और क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है और हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये देखो सोच का फर्क है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। अब दूसरी बात, जहाँ तक पुराने कामों की बात है, अरे भाई आप विकास पुरुष थे, आप विकास के, आपकी पार्टी, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति पे नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कुछ इतने ताकतवर थे तो आप जनता को दिखा क्यों नहीं पाए, बताइए ना। आपका समय था, आपने जनता को दिखा नहीं पाया डेवलपमेंट, जनता ने आपको अस्वीकार किया। आज हम ग्राउंड्स बना रहे हैं, गार्डन्स बना रहे हैं, हम अगर मदर्स मार्केट बना रहे हैं। पहले आप क्रिटिसाइज करते थे कि हमको 5 काम बताओ, जब हमने काम बताने हमने काम बताने और दिखाने चालू कर दिया तो ये बोलने लग गए ये हमारे कार्यकाल का है। हटवा दिए थे ना पोस्टर वगैरह निगम आपकी थी ये अब वो समय पता नहीं प्रशासनिक क्या कार्रवाई हुई है इस पे, मुझे तो कि वो ध्यान नहीं हटा दिए, वो ध्यान नहीं मुझे जवाब दे नहीं पाए महापौर जी तो पोस्टर ही हटवा दिए। देखो उन्होंने जब सवाल किया हमारे जवाब के बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, उन्होंने ये कहने लगे ये हमारे समय का। देखो क्या है, जनता देख रही है, आप राजनीति कर सकते हो लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है ना वो आपको गली मोहल्ले में घूमने से पता चल जाएगा। मैं आपसे भी ये बात कहता हूँ, भिलाई टाइम्स देखो एक ऐसा एक भिलाई टाइम्स तो ऐसी एक संस्था बन गई है भिलाई की जिस पर भिलाई की जनता को विश्वास है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है देख के। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये पॉजिटिव को बहुत पॉजिटिवली दिखाती है और नेगेटिव पे भी उतना ही क्रिटिसिज्म करती है। तो मैं आपसे कहता हूँ ना, आप एक बार कुर्सी पार में जाके घूमिए, कुर्सी पार की सड़कें देखिए, वहाँ पर जो हमने डेवलपमेंट किया है, जितने हमने ये आज आप देखिए सब जगह डोम बने, डोम बन रहे हैं, 2500 डोम बन गए शहर के अंदर, सारी समितियों के साथ लिए डोम बना के। ये डोम किसके काम आ रहे हैं, समिति तो पूरे साल भर में 10 दिन 15 दिन 20 दिन उत्साह रहता है, उनका कार्यक्रम रहता है, उसके बाद कौन, वहाँ के मोहल्ले के लोग वहाँ पे अपना बर्थडे पार्टी करते हैं। आप देखो मैं जाता हूँ सेक्टर 10 आते जाते आज, हमने तो अभी टोटल लगभग हर सेक्टर में कहीं दिखता है कि बड़ा डोम शेड ऐसा दिख जाता है कुछ जगह, हर जगह कुर्सी पार में, जैसे NOCs को लेकर कहीं कहीं पे इशू हुआ, हमारी BSP पे अभी 150 NOC पेंडिंग है लगभग, तो ये सब अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमने लगभग हर सेक्टर में कुर्सी पार के हर वार्ड में और वैशाली नगर में भी कई जगह पे हमने डोम बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग सुनिश्चित होता है। वैसे ही हम कहें तो हमने के हर सेक्टर में दिख जाता है। हाँ, और आपको वैशाली नगर क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह का अधूरा डोम है, मैं देखा रामनगर वार्ड, रिकेश सिंह का वार्ड है, उसको ऐसा तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष था विपक्ष का पार्षद। देखो रिकेश जी हो या BJP के लोग हो, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता भी हैं, मुझे लगता है कि मुझे कोई सार्वजनिक विषय रहता है तो मैं उनसे सहयोग मांगता हूं, दूसरे दलों के लोगों से भी, कि ये सार्वजनिक हित की बात है। जब मैं महापौर था, जब मेरी जिम्मेदारी थी, और लोगों ने उस समय सहयोग भी किया, और जब कोई ऐसा विषय रहता है जिसमें उन मुझे आपत्ति रहती तो मैं खुले रूप से विरोध भी करता हूं। हम लोगों का जीवन सार्वजनिक जीवन है, हम लोगों का जो भी विचार आचार हो वो जनता को देखकर हो,
जनता के लिए हो और उनको समर्पित भाव से हो तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आती है। तो हम लोगों ने तो काम किया है, सब जगह किया है। अब वो रामनगर वाला जो डोम है उसके पीछे एक दूसरा इशू है, उसके पीछे इशू ये है कि पिछली सरकार में 2018 चुनाव के ठीक पहले लगभग भिलाई में 32 करोड़ की और वैशाली नगर में लगभग 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई पर्यावरण अधोसंरचना मद के नाम से, और पूरे प्रदेश में लगभग 550-700 करोड़ की स्वीकृति आई चुनाव के पहले, जिस पे सब हो गया कि भाई ये सब काम होंगे। लेकिन भाई वो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, वो कागजों में स्वीकृति थी। मैं आरोप लगाना बहुत पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी ये बात, वहाँ से मंजूरी नहीं हुई थी ना, वहाँ से मंजूरी थी ना, उसका जो प्रक्रिया होती है, उचित प्रक्रिया होती है कि कलेक्ट्रेट के माध्यम से वो जाना चाहिए, वो ना कलेक्ट्रेट के माध्यम से पूरी डिटेल गई थी। बस चुनाव चालू होने के एक महीने पहले धड़ाधड़ स्वीकृति आ गई कागजों में, ये लगभग 56 करोड़ की, और दे नारियल पे नारियल फोड़े पड़े थे नेता लोग और बता रहे थे हम विकास पुरुष है। जैसी चुनाव खत्म हुआ हम भी सोचे कि यार ये बढ़िया ही है, तो आखिरी आखिरी में 40-50 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई है, ये काम करा लेंगे, जनता को लाभ होगा उसका। देखे तो कोई फंड ही नहीं, ऐसा कोई कानून ही नहीं, ऐसी कोई स्वीकृति नहीं। इस पर तो विधानसभा में भी चर्चा हो गई, विधानसभा में भी किसी के पास जवाब नहीं था, ना विपक्ष के पास भी था। काम भी चालू हो गए, अधूरे पड़े जो वही है। कुछ कुछ जो काम उन्होंने ठेकेदारों से बेचारों से काम चालू करवा लिए वो आज तकलीफ में विपत्ति में, और उनकी मदद हम लोगों ने की है। जो ये पर्यावरण अधोसंरचना मद में झूठी फर्जी स्वीकृति ये लोग लाए थे, उस पर हम लोगों ने उस काम को जो कंप्लीट हो चुका है या आधा अधूरा अटका हुआ था उसका हम लोगों ने फंड भविष्य में अधोसंरचना मद में लिया शासन से और उसके भुगतान किया। और ऐसे लगभग मुझे लगता है 25-30% लोगों का काम जो कंप्लीट हो गया था उसका भुगतान भी हो गया, और जो पेंडिंग है उसका हमने शासन को भेजा हुआ है कि भाई इनका भी फंड दे दीजिए। देखिए हमारी ये नीति नहीं है कि किसी ने नारियल फोड़वा दिया तो इसका काम नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं काम होना चाहिए। सोशल मीडिया आप देखते होंगे, एक लिस्ट वायरल हुई थी पिछले दिनों, बताया गया कि गृह मंत्री की लिस्ट है, गृह मंत्री जी ने बैठक में SP साहब को सौंपा, बोले यार बॉस ये कार्रवाई करो इनके खिलाफ में, ये सट्टोरिया लोग बहुत फल फूल रहे हैं, बहुत तगड़ा चल रहा है इनका काम धाम। उस लिस्ट में आपके लोगों के भी नाम थे, 2-3 पार्षद भी हैं, आपके समर्थक भी हैं, तो क्या वो लिस्ट सही है कि वो पार्षद जो सही है जो काम कर रहे हैं इसमें? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है ना, नैरेटिव सेट करना, ठीक है, उस पर बहुत ही उनकी वाह भाई मेरे लिए ये थोड़ा सा बाजू झूल रहे बताओ अरे ये तो बहुत समय बाद मेरे लिए थोड़ी इसकी चौड़ाई भी कम होगी लग रहा है आपको फिट बैठ रहा है। तो ऐसा है कि ये सारी बातें तो चर्चा में लाई गई, लेकिन ये चर्चा ही है, राजनीतिक रूप से आरोप है, क्योंकि इस पे जिला प्रशासन का भी एक वक्तत्व आया था कि इसकी जाँच की जाए। जब कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगा वो, तो उन्होंने जांच की मांग की, और जांच के आधार पर ये पता चला कि वो जो लिस्ट है ऐसी कोई लिस्ट भी गृह मंत्री जी द्वारा नहीं दी गई थी, ठीक है, और ये फेक लिस्ट है। तो ये प्रोपेगेंडा है चुनावी राजनीति। खंडन भी लिखी है ना, ना आपके लोगों ने खंडन किया, गृह मंत्री जी ने खंडन किया, सिर्फ SP साहब तो बोलेंगे ना कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इस पे तो लिखित शिकायत की गई है, इस पे जांच करने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आया फिर? जी इस पे तो लिखित शिकायत की गई है, जिन लोगों के ऊपर ये जिन लोगों के लिस्ट पे नाम थे उन लोगों ने खुद सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत की है, मुख्यमंत्री जी से भी की है, मीडिया में भी आया है, जो शिकायत दर्ज हुई है उसकी जांच भी हुई, जांच के आधार पर ये आया है कि ये लिस्ट का उस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। और देखो प्रोपेगेंडा क्रिएट करना बीजेपी का इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक रहता है, ये ऐसे लोग हैं, मीडिया में भी ये ऐसे लोग हैं जो पूरे प्रदेश को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि पिछले समय में धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके डिटेल्स निकालते हैं तो ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अगर चर्च बने हैं तो 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में बने हैं,
जो वो आरोप लगा रहे थे कि धर्म परिवर्तन का बहुत प्रदेश भर में ये चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चेस दूर अंचलों में जो बने हैं वो बीजेपी के समय बने हैं। लेकिन इस बार एसपी साहब आपके शायद मुझे याद है सुकमा एसपी ने लेटर लिखा था कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, इस पर सरकार ध्यान देनी, तो आने वाले समय में स्थिति बहुत गंभीर है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। देखिए ये हमारी सरकार की गंभीरता है इसलिए इस पे कार्रवाई चल रही है, अलर्ट है। हाँ अलर्ट है। आप पिछली सरकार में देखो ना कोई गंभीरता ही नहीं थी। देखो बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, उनका काम है डिवाइड करना लोगों को, आपसी सामंजस्य जो लोगों का है उसको डिवाइड करने का प्रयास करती है बीजेपी, और हमेशा टुकड़ों में बांटती है। आप देखो ना देश में विभाजन किस स्तर पर हो गया है आज के समय, आप देखेंगे तो हर परिस्थिति में अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से वो विभाजन करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी नीति है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ दम नहीं है मुझे लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में भी इंटरनल कुछ चल रहा है, गृहमंत्री जी ऐसा लिस्ट दे देते हैं आपके समर्थकों के नाम हो जाते हैं ऐसा? देखिए ऐसा है कि गृहमंत्री जी बोले नहीं बोस, लेकिन ऐसा है, ऐसा है कि आदरणीय गृहमंत्री जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, सब लोग एक टीम बनकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुप्रचारित जो विषय हैं उनसे लड़ रहे हैं। बात अगर ताम्रध्वज साहू जी और मुख्यमंत्री जी की हुई तो टीएस बाबा की भी होनी चाहिए। आप दिल्ली गए थे जब दिल्ली परेड चल रहा था, हाँ। तब आप ये बताया गया कि आपने पैर पकड़ लिए थे पुनिया जी के, हाँ। कि बोले बॉस दाऊ जी सही है, उनको हट मत हटाओ, कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए पैर पकड़ने वाले सही नहीं। देखिए ऐसा है, पुनिया जी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद हम हमेशा ही लेते हैं। जहाँ तक उस पूरे एपिसोड की बात है तो ये मुख्यतः यही है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमें जो लगता है क्या उचित है क्या अनुचित है वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताएं, तो हमने बताई, अपनी बात रखी कि भाई हमारे नज़रिए से ये चीज़ें हैं, तो वो पार्टी के अंदर की बात है। अच्छा उस दिल्ली वाला एपिसोड बताओ थोड़ा सा कि क्या वाकई में ताम्रध्वज साहू जी, टीएस बाबा जी और भूपेश बघेल तीनों में से कुछ तय हुआ था कि मुख्यमंत्री के लिए, ऐसे कुछ चर्चा आप लोग तक आई हो? देखो हम तो बड़े छोटे से कार्यकर्ता हैं यार पार्टी के, इसको हम तो उल्लेखित नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को जरूर उल्लेखित कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस और राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यों और उनके जो लीडरशिप है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को मजबूत करने के काम कर रही है। ये एक ऐसा नेतृत्व प्रदेश को मिला है जो देश में जिसकी धमक है, आज आप समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले क्या? देखिए ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं, राहुल गांधी, भूपेश बघेल जी का जो व्यक्तित्व है और जो उनकी क्षमताएं हैं वो पूरे देश में प्रदर्शित हो रही है। छत्तीसगढ़ को आपको भी आपको इस बात को मानना पड़ेगा, भले वो हमारे सहयोगी हों या विरोधी हों या कोई भी हो, वो इस बात को ज़रूर कहते हैं कि पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बहुत बदलाव हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो नज़रिया था देश को देखने का वो बदला है, हमारे प्रदेश को पहले केवल और केवल नक्सल घटनाओं के लिए जाना जाता था, हमारे प्रदेश की राजधानी भी लोगों को आप याद करोगे तो लोग बोलते छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली, हाँ आज उसमें बदलाव है, पहले तो ऐसा लगता था कि एयरपोर्ट से उतरेंगे और इसके बाद चालू सीधा, लेकिन आज बदलाव आया है, दिल्ली वाले यही सोचते हैं, आज बदलाव आया है, आज छत्तीसगढ़ का टूरिज्म बढ़ा है, आप जाइए ना बस्तर हो के आ गए, हाँ बस्तर घूमने गए होंगे एकदम स्नान कर, रुकने के लिए जगह नहीं मिलते, मन नहीं करता कि रुके सब चलते रहे, रुकने के लिए और रुकने के लिए आपको गेस्ट हाउस नहीं खाली मिलेंगे, आप खुद गए होंगे तो आपको पता चला होगा सारे गेस्ट हाउस बुक है, सारे होटल्स बुक है, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग ट्रैवलिंग करके यहाँ आते हैं बस्तर घूमने, मैं तो जानता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, हमें भी पता चलता है, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ है। आप कोरबा देखिए, कोरबा में पहले इतना टूरिज्म नहीं था, अब कोरबा का भी टूरिज्म डेवलप हो गया, अंबिकापुर का हमारा मेन पार्ट तो पहले से ही प्रचलित था, ऐसे करके छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म है कल्चर है उसको देश ने प्रदेश ने लोगों ने एक्सेप्ट किया है और ये हमारी उपलब्धि है। युवा फेस छत्तीसगढ़ में बात करें तो देवेंद्र यादव का जिक्र इवन दाऊ जी को भी आता है कि वो इसीलिए शायद यूथ कांग्रेस इलेक्शन में आपको झोंक देते हैं, जाओ देवेंद्र पूरा प्रदेश घूमो,
राजीव अमितान आपने टी शर्ट भी पहना है, आपको उसमें एज ए ठीक ठाक कोऑर्डिनेटर मतलब एक तरह से आप पूरा टेंशन आपको दे दिए, खैरागढ़ इलेक्शन आपको दे दिए पूरा संभालना है, तो दाऊ का भरोसा देवेंद्र पर बढ़ता जा रहा है। बीच में कुछ लोग हल्ला कर रहे थे कि सीएम हाउस में दाऊ देवेंद्र की एंट्री कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि खैरागढ़ इलेक्शन राजीव अमितान तो भरोसा तो है। देखिए वो हमारे सर्वोच्च नेता है, ठीक है, उनके साथ काम करने का अनुभव जिसको भी मिले तो वो किस्मत वाला है, और मैं तो अपना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं देखिए उनको अपने लीडर के रूप में भी मानता हूँ और अपने राजनीतिक गुरु के रूप में भी मानता हूँ, सीखने मिलता है उनसे। उनके साथ में अगर हम लोगों को इतना सभी काम करने का मौका मिल रहा है ना, मतलब वो जो अगर 1000 लोगों की भीड़ है, उस 1000 की भीड़ में भी अगर हमको खड़े होने का मौका मिल रहा है तो हम उसको अपनी उपलब्धि समझते हैं कि हम उस समय ये सीख पा रहे हैं कि लीडरशिप कैसी होती है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे थोड़ा भी जिम्मेदारी जो मिलती है। और जहाँ तक संगठन चुनाव की बात है तो वो एक पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट है। हम NHAI के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव महासचिव रहे, देश के 200 प्रदेशों के हम प्रभारी रहकर हमने काम किया, हम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे, यूथ कांग्रेस में कई प्रदेशों में हमने काम किया, तो ये तो इंटरेस्ट है। कहाँ जाएंगे अब, हमारे जो साथी हैं सहयोगी हैं जो हमारे साथ काम किए उनके लिए भी उचित स्थान बन जाए, उसके लिए काम करते रहते हैं संगठन। देवेंद्र का जलजला भी इसीलिए, खैरागढ़ इलेक्शन में देखा मैं आपका फुल पेज विज्ञापन भी छपा था, बोले देवेंद्र यादव समर्थक ऐसा कुछ लिखा था किसी ने, और वन वहाँ के पत्रकार बता रहे थे कि देवेंद्र का यहाँ पे जलवा ठीक ठाक है, फिलहाल ही नहीं खैरागढ़ भी ठीक ठाक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो क्या होता है, जलवा तो जलवा शब्द अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। बात यह है कि प्रेम बना हुआ है लोगों से। देखो क्या होता है, एक मुलाकात होती है, अब एक मुलाकात किसी भी व्यक्ति से हुई और आप उसके साथ उस एक मुलाकात में कितने रिश्ते बना लिए, वो आपकी आपके नजरिया तभी तो महिलाएं आपके साथ सेल्फी लेने के लिए करती हैं। देखिए हम लोगों को पहचानते हैं, ठीक है, हम एक एक व्यक्ति की कीमत को समझते हैं, ठीक है, हम बने हैं तो छोटे छोटे तिनको के सहारे से बने हैं। हमारे लिए किसी ने कोई बड़ा ये नहीं कर दिया, बड़ा कोई ऐसा बैकअप नहीं हुआ कि इसके आधार पे हो गए। हमारी जो संरचना हुई है वो बहुत ज़मीन से हुई है और ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में हुई है, तो छोटे छोटे प्रयासों से ये बड़ा प्रयास हो पाया। तो किसी से भी मुलाकात होती है तो वो एक बार में चेहरे भी पहचान में आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, लोगों से नाम से भी परिचय हो जाता है, तो लोगों से प्रेम बना हुआ है और यही हमारी ताकत है। मैं आपको एक बात मैंने कही थी जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था, एक मीडिया के साथी ने मुझसे पूछा था कि आपके जीवन में आपकी आपके पास और क्या है, तो मैंने बोला था कि मेरे जीवन में मेरी एसेट मेरे साथी है, संपत्ति, और ये संपत्ति मेरे पास बहुत बड़ी है। आप देश के किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में आप बोलेंगे देश के, वहाँ हमारे साथी सहयोगी दोस्त मित्र मिल जाएंगे जो आपकी सेवा के लिए आपके काम के लिए हाजिर रहेंगे, ठीक है। ये हमारी यही हमारी ताकत है, वैसे ही प्रदेश में और वैसे ही शहर में ये प्रेम मिला हुआ है सबसे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये वही युवा हैं जो आपके लिए ताकत बनकर रहते हैं लेकिन कमजोरी भी यही खड़ी कर देते, परेशानी भी यही खड़ी कर देते, कहीं कभी कोई मारपीट, कभी कोई घटना, तो उसमें लोग बोलते हैं कि देवेंद्र यादव के लड़कों ने मारपीट कर दी, देवेंद्र यादव के लड़के ऐसा कर रहे हैं। राजनीति में चुनौतियाँ रहती है, विषय ये है कि आप उसको कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो और आपका एक्शन क्या होता है। अगर हमारी जो शक्ति है वो शक्ति ही चीज़ों का दुरुपयोग करे और आप उसका समर्थन करें तो मतलब आप भी नेगेटिव हो। तो हमने हमारी जो राय है और हमारा जो मत है वो कभी बायस नहीं रखा कि आप तो गलत करता है, आप चलता है। हाँ, अगर आपकी मेरी रिश्ते 20 साल के भी हों, 10 साल के भी हों, लेकिन आपने किसी चीज़ को अनैतिक किया है जो सार्वजनिक हित के लिए ठीक नहीं है या गलत दृष्टिकोण है, तो हम आपके इसमें सहयोगी क्यों बनेंगे। हमारे और आपके रिश्ते अलग हैं, लेकिन आपका किया हुआ काम अगर वो गलत है तो हम उसका सहयोगी क्यों बनेंगे, और आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका श्रेय हम क्यों लेंगे, वो भी आप लो। अच्छा, सीधी सी बात है, अपने लड़कों को चमकाते हो, भड़काते हो कि यार ये गलत तुम्हारे बारे में शिकायत मिल रही है। लड़के तो नहीं, संगठन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, भले वो मुख्य संगठन हो हमारा, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NHAI हो, हम उनको जब जब मौका मिलता है एक सही दृष्टिकोण जीवन का बताने की कोशिश करते हैं, और मैंने तो ये महसूस किया हमने लोगों को सही दिशा में लाया है बहुत बड़े मात्रा में। अपने ये 10-12 सालों की जर्नी में
हमने बहुत सारे साथियों को सही रास्ते दिखाए हैं, भटके नहीं है लोग हमसे, और भटके हुए लोग भी आए हैं तो वो सही रास्ते में गए। सारे समर्थक ठीक ठाक वोट से जीत गए, चुनाव से पार्षद बन गए, वो तो राजनीति में आ गए सक्रिय। नहीं, और भी जैसे जो राजनीति में आया वो ठीक है, जो नहीं आया, जो कोई और काम भी कर रहा है, तो हमारा उससे ये प्रयास रहा है कि वो जीवन को सही दृष्टिकोण से देखे, न्याय संगत देखे। और है कि देवेंद्र अपने समर्थकों को, अपने लड़कों को सेट कर दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो, ऐसा है कि मुझे ये लगता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम पे इन्वॉल्व हो गए, काम कर रहे हैं। देखो, मुझे ये लगता है कि आप अगर एक समूह में हो और संगठन में हो तो संगठन में सबको जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। अगर आप अपने साथियों को जिम्मेदारी नहीं दोगे, जो जिस की क्षमता जिसके अंदर है उसको वो जिम्मेदारी नहीं दोगे और आप दिल नहीं रखोगे किसी को आगे बढ़ाने का, तो समूह कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, मेरे साथ ये आरोप लग सकते हैं हर तरह के कि मैंने पिछले समय में अपनी टीम को, मतलब मैं भिलाई की बात नहीं करूँगा, पूरे प्रदेश में या देश में टीम को पुशअप किया है, तो वो अच्छी बात है। हमारे अंदर वो दिल है, वो भावना है कि हम किसी को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ तो लोग आगे ही नहीं बढ़ने देख सकते हैं। एक पेड़ के नीचे बोलते हैं ना, बरगद के नीचे और भी पेड़ नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। हम तो उस भाव के नहीं, हमें तो ये इस बात की बेहद खुशी होती है कि हमारे से जुड़ा हुआ कोई, भले वो बिलासपुर का ही साथी है, पार्षद बन गया और उसने कुछ ऐसा किया जिसको हम देख के सीख रहे हैं और हम अपने यहाँ कर रहे हैं, तो ये हम इसको हेल्दी वे में लेते हैं। मैं ये मानता हूँ जीवन में चुनौतियाँ हमेशा बनी हुई हैं। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो ना, कॉम्पिटिशन करो ना, आप कॉम्पिटिशन करो ना, हेल्दी कॉम्पिटिशन करो ना। मैं तो कम्पीट करता हूँ, और लेकिन आप देखिए, हमने जिस उम्र में या जिस जगह पर पहुंच के और इतने सारे लीडर्स को प्रमोट करने का काम किया है, ये कोई इसलिए नहीं कर पाता कि किसी के पास वो दिल भी नहीं रहता, और दूसरी बात वो चुनौती लेना भी स्वीकार नहीं करते। जो जहां पर पहुंचता है ना, वहां पर आके वो चाहता है कि अब इस जगह को बंद करो, अब यहाँ पे कोई नहीं पहुंचे, सब नीचे रहो, आपके यहाँ ओपन हाउस है, सब आ जाओ। मैं तो चाहता हूँ, मेरा देखिए, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचूंगा कहाँ नहीं पहुँचूंगा ये नहीं जानता मैं, ठीक है, चले, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि मतलब एक बहुत बड़ा समूह ऐसे लोगों का ज़रूर हम खड़ा करेंगे समाज के लिए, जो क्षमतावान है, अपने अपने फील्ड में योग्य हैं, और जिनको अवसर मिल रहा है, और जिनके काम करने से लोगों को फायदा हो। एक फॉर्मल सवाल, एकदम फॉर्मल टाइप का, लोग ना सवाल करते हैं कि जब नेता लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं, तो वो जाके क्या देते हैं वहाँ पे, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो छठी समारोह में हो, क्या देते हैं? मतलब मैं एक सवाल है, देखो ऐसे ही वो तो सामने लोग पर डिपेंड करता है। मत नहीं, देखो हम तो कोशिश करते हैं कि फूल लेके जाएं, देखो किसी भी शुभ अवसर पे जाएं, फूलों से हम उस अवसर को स्वागत करना चाहते हैं, तो हम तो फूल लेके जाने की कोशिश करते हैं। कभी फूल नहीं लेके जा पाते तो लिफाफा भी दे देते हैं, कितना डालते हो और तो वो जैसी परिस्थिति हो जो भी जेब में हो, है ना, वो उस हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे भाव ये नहीं रहता कि कुछ ऐसा बड़ा देना है या कुछ ये करना है, भाव ये रहता है कि खुशी के समय उसके साथ सम्मिलित होना, ये भाव रहता है। भगत सिंह बढ़िया शान से खड़े हैं और ये देश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो ये शायद संजय नगर मैदान में लगने वाला था, यहाँ सेक्टर 5 शिफ्ट कर दिए, ये भी एक सवाल होता है वहाँ पे, लोग बोलते हैं, हालांकि बड़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा ये अचीवमेंट हमारे भिलाई। देखिए, मैं जब महापौर बना था तो मैंने ये बात कही थी कि हम लोग शहर में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा भगत सिंह जी की लगाएंगे, और हम, मेरा शुरुआत में ये प्लान था कि हम लोग इसको सुपेला स्थित किसी जगह में करेंगे तो बहुत और लोकेशन वहाँ पे बहुत भव्यता आएगी, लेकिन भविष्य में जो प्लान बनाया हमने उसके बाद, वो प्लान हमने सिविक सेंटर को, जो कि भिलाई का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश के, किसी बोल दो सीसी आ जाओ, हाँ, मध्य प्रदेश के समय से सिविक सेंटर का एक अपनी ग्रेविटी और एक नाम रहा है, तो फिर ओवरऑल एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया हमने, जिसमें सिविक सेंटर, शहीद पार्क, ये सबको जोड़कर एक जो हमारी इतनी बड़ी चीज़ है सिविक सेंटर, उसको अपग्रेड करके हम लोगों को देना चाहते थे, तो यहाँ पर प्लान बना, और यहाँ पर ज़्यादा फिजिबल भी था, सेंटर भी था, और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कनेक्टेड सिविक सेंटर भी था, और यहाँ पे हमारा ओपन एयर ऑडिटोरियम भी बन रहा है, यहीं पर हमारा ट्रैफिक पार्क भी बन रहा है, यहाँ पर हमारा रीडिंग जोन भी बन रहा है, यहाँ पर हमारी नई चौपाटी भी आ रही है, तो इस
तरीके से एक भिलाई का सेंटर पार्ट में, जिसमें भिलाई, वैशाली नगर, रिसाली, दुर्ग, करेक्ट है, हाँ, ये सब जगह का सेंटर पार्ट जो बेस्ट डेवलप हो सके उसको हमने करने की कोशिश की। ये बोल सकते हैं कि न्यू भिलाई, चेंज भिलाई, बदलता भिलाई यही है जी। नहीं देखिए, बदलता भिलाई कहेंगे तो भिलाई या गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हम लोग करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, उस पर एक पार्ट ये है। एक और है कि पटरी पार वाला, पटरी पार में डेवलपमेंट नहीं, सब डेवलपमेंट सेक्टर 5 सेक्टर 7 में हो रहा है। देखो ये इस पे तो, ये तो मैं कहूँगा इसको एक आरोप के रूप में लूंगा बीजेपी के। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो हम लोगों ने सभी वार्डों में लगभग लगभग बराबर से फंड्स लाए हैं, लेकिन चुनौती ये रहती है कि हम अगर वैशाली नगर को देखें या हमारे कुर्सी पार क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर टोटल काम जो है वो नगर निगम करता है, रोड, नाली, पानी, बिजली, सारे काम नगर निगम करता है। तो अगर वहाँ पर कोई फंड आता है 2 करोड़ 5 करोड़ तो जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति में ही हो जाता है। सेक्टर एरिया में अगर कोई फंड आता है तो वो केवल और केवल आप समझिए सौंदर्यीकरण के आधार पे आता है, क्योंकि रोड तो बीएसपी बना रही है, नाली बीएसपी मेंटेन कर रही है, सफाई बीएसपी कर रही है, हम लोगों को उस पर थोड़े से फंड में ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे सेक्टर 5 की ये आई लव भिलाई, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें बैडमिंटन कोर्ट भी थे, सब कुछ था, वो पूरा ही प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब कम खर्च का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका नाम बहुत हुआ, बहुत दिख गया, है ना। लेकिन हमने आगे ले रहे, लेकिन हमने गौरव पथ 2-3 करोड़ 3 करोड़ की मेरे ख्याल से उस समय गौरव पथ बनाया, उसको वापस मेंटेन किया, वापस तो उसकी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन वो 3 करोड़ रुपए गौरव पथ और इसमें अंतर करेंगे तो ये 20% पैसे में काम हो गया इसका, आई लव भिलाई का, उसके 20 के 10% में आई लव भिलाई बन के खड़ा हो गया, 10% से भी कम लगा होगा आई लव भिलाई, लेकिन चर्चा ज्यादा हो गई। वैसे ही वहां पे इतनी बड़ी रोड बनाई लेकिन उसकी, क्योंकि वो मूलभूत था तो चर्चा कम होती है उसकी। लेकिन वैशाली नगर पे हमारा विशेष फोकस है, हमने हर वार्ड को फंड्स पहले दिए हैं, इसलिए भिलाई की जनता ने हमको वैशाली नगर में इस बार मदद की है। आप पहले की मुकाबला देखें तो भिलाई वैशाली नगर में पहली बार कांग्रेस के इतने पार्षद जीत के हैं, नहीं तो हम लोगों के लिए चुनौती रहती थी वहाँ पर। तो इससे ये आकलन लिया जा सकता है कि काम ठीक चल रहा है। दूसरा, कुर्सी पार में भी हमने बहुत लगन से काम किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये टाउनशिप जी जो अभी तक बदहाल स्थिति में जा रहा था, लोग ये बोलते थे बीएसपी करेगा, सोचते नहीं थे, नेता बोलते थे बीएसपी करेगा क्योंकि उनको काम करने का इंटरेस्ट नहीं था। देखो इंटरेस्ट होगा तभी तो करेगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम करने की कोशिश करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अभी भी 150 NOC पेंडिंग है, लेकिन ठीक है ना, हम प्रयास करके फंड तो ला लिए, धीरे से NOC भी आ जाएगी, वर्किंग भी कर लेंगे, तो हम रिजल्ट तो दे रहे हैं ना सेक्टर एरिया का। ऐसा थोड़ी ना कि सेक्टर पे काम नहीं होगा, आप टाल दोगे ऐसे। जो टालने वाले लोग थे वो टाल दिए, और चर्चा लानी थी उनको किसी नाम पे भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन परिणाम जनता देख रही है। मैं तो बड़े जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि हम लोग इसलिए मतलब हर वार्ड हर मोहल्ले में बैठ कर वहाँ पर पिछले 6 वर्षों में हमने क्या बदलाव किया उसको दिखा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, आप शुरुआत जब हम कर रहे थे तो बता रहे थे मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, तो एक बार से हमारे दर्शकों को सुना दो कि वाकई में बेसुरा गाते हो, ठीक ठाक गा लेते हो, आपको लगता है कि मैं बेसुरा ही गाता हूँ? देखो सुर का तो आकलन मैं कर नहीं सकता, लेकिन मुझे गाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, खुशी मनाने में कोई आपत्ति नहीं है, आपको सहयोग करना पड़ेगा तो मैं गा दूंगा। क्या गाना भी? आप भी गाओ भाई, तो ऐसा थोड़े ना, अरे तो देखो आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा पता होगा, आपको लिरिक्स ज्यादा याद रहेंगे। नहीं याद रहते मेरे को, देखो भाई हम तो भिलाई टाइम्स को बोल रहे हैं, भिलाई टाइम्स से हम चर्चा कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कर रहे हैं, आप एक गाना सुना दो, हम भी आपके साथ सुना देंगे। शुरुआत आपसे, मैं पीछे पीछे आपको सहयोग कर रहा हूँ। कहाँ फंसा रहे हो यार, चलो गा देंगे, गाने में कोई दिक्कत नहीं, गाएंगे, लेकिन आपको साथ में गाना पड़ेगा, कौन सा गाएंगे वो सोच रहे हैं। बहुत सारे हिट लिस्ट पे रहते होंगे ना, क्या गाना है, क्या चल रहा है? नहीं नहीं तो अभी तो बताया था ना, अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ी गाना जो मैं बताया था ना, अभी अपन वहां बैठे हुए थे तो मैंने एक गाना गाया 2-3 दिन पहले, के बीच में हाँ, तो वही गाना ध्यान आ रहा है मुझे, तो रंग बरसे आवाज में अभी ताप चल रहा है।
ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे भूल गए इसकी लाइन, गाने याद है वो गा देते हैं। चलो आप भी साथ में गा देना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। शानदार ये गाना। देखो ये गाना मैं मुझे लगता है कि अगर मेरे जीवन की अगर कोई फिलॉसफी है तो मैं इस गाने में कंप्लीट अपने आप को अनुभव कर पाता हूँ और जोड़ के रख पाता हूँ और जोड़े रखता हूँ कि इतने में ही रहना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा इंटरव्यू आप लोग को, शायद उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और देवेंद्र यादव थे जिनसे, मतलब ये इंटरव्यू ऐसा ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं था कि जिसपे हम पॉलिटिक्स पे बात करें, कुछ चर्चा करें, ये ऑफबीट इंटरव्यू था जिसपे वो बातें शायद जो आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता था, जॉनी मैं नहीं जानता था, तो वो बहुत सारी बातें आज हमने खुल कर की, इसको हम रिलीज़ करेंगे। आप सब प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। एक आखिरी नहीं बोल पाया आप, हाँ। आपके जितने फॉलोअर हैं हमारे पास आ जाए, शिफ्ट हो जाए, दिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब कर। हेलो नमस्कार, मेरे सभी दोस्तों से मित्रों से मेरा अनुरोध है, मैंने भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करके रखा है और मैं आप सभी से, जितने भी मेरे मित्र हैं भले वो प्रदेश के हों, देश के हों, सभी लोगों से कहूँगा, देखो इसमें भिलाई भी लिखा हुआ है ना, भिलाई से हम सबकी पहचान है, तो भिलाई टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा गौरव, हमारा प्राइड, हमारा शहर, हमारा भिलाई है। थैंक यू, थैंक यू। जय भिलाई, जय भिलाई।